हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छवि किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी भरवा मिर्ची के पकौड़े 3 सीक्रेट टिप्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टफिंग बनाने के लिए बॉईल करके 7-8 आलू ले लिए हैं, और इसको मैश लेंगे। 4 हरी मिर्च, 7-8 कले लहसुन और 1 इंच अदरक लिए हैं, और सबको क्रश कर लेंगे। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पकौड़े थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। और एक बाउल में 1 चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1.5 छोटी चम्मच खड़ा धनिया ले लेंगे, और सबको दरदरा कूट लेंगे। अब पकौड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। 1 बाउल में 2 कप बेसन लेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 पाव मिर्ची के हिसाब से बेसन ले रही हूँ, और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और 1 पिंच हींग डाल लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, एक बार में ज़्यादा पानी डालिएगा तो बेसन अच्छे से मिक्स नहीं होगा। कोई भी बैटर बनाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गाढ़ा बैटर बना लीजिए, उसके बाद पतला कीजिए। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा पानी और डाल लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं चम्मच से, आप देख सकते हैं चम्मच पे कोटिंग हो जा रही है। इसी तरह का बैटर बना के हमको तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना पतला। ढक करके छोड़ देंगे, तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए 1 कढ़ाई गरम कर लिए हैं, और 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब डाल लेंगे क्रश किया हुआ सौंफ, जीरा और धनिया। इसको 1/2 मिनट भून लेंगे। इसको स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में, और ये पहला सीक्रेट है। और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। अब डाल लेंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, और 1 मिनट भून लेंगे। अदरक लहसुन भून गया है, अब डाल लेंगे 1 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब डाल लेंगे मसाले, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक कलर के लिए है, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। यहाँ का क्लिप मिश हो गया है तो आप आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, और सबको मिक्स करके भून लेंगे। अब डाल लेंगे मैसा हुआ आलू, और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लगभग 2-3 मिनट भून लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गई है, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। अब डाल लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैं 250 ग्राम मिर्च ले ली हूँ। इसको अच्छे से धो लिए हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। यदि आपको नहीं मिलती है तो थोड़ा पतला वाला मिर्च भी ले सकते हैं, इससे भी आप पकौड़े बना सकते हैं। और अब मिर्च का बीजा निकाल लेंगे। मिर्च में इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे और बीजा निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या उंगली के सहायता से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह सारे मिर्च से बीजा निकाल लेंगे। मिर्च से सारा बीजा मैं निकाल ली, और अब एक बाउल में 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ले लेंगे, आप देख सकते हैं। और मिर्च के बेस में इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, तो मिर्च जल्दी पक जाएगी और मिर्च का टेस्ट सादा सादा नहीं आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। ये दूसरा सीक्रेट है। इस तरह से आप मिर्च के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगी। अब स्टफिंग फिल कर लेंगे। एक मिर्च लेंगे, इस तरह से स्टफिंग फिल कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टफिंग फिल कर लेना है, और थोड़ा ऊपर से भी मसाला लगा लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का मिर्च पे ऊपर से भी मसाला लगा लेना है, क्योंकि मिर्ची चिकनी होती है तो बैटर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से आप
ऊपर से भी मसाला लगा लेंगे तो ईजिली बैटर इस पर चिपक पाएगी। और इस तरह से रोल कर लेंगे तो आलू का मसाला एक बराबर हो जाएगी। इसी तरह सारे मिर्च में स्टफिंग फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारे मिर्च में मैं स्टफिंग फिल कर ली और हाथों में थोड़ा पानी लगा करके इस तरह से रोल कर लीजिए तो अच्छे से आलू रोल हो जाएगी। अब बैटर देख लेते हैं। साइड में तेल गरम होने के लिए रख दी थी। एक बड़ा चम्मच बैटर में गरम तेल डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ। बैटर में गरम तेल डालने से ही पकौड़े अच्छे बनेंगे। अब एक मिर्च लेंगे और बैटर में डिप कर लेंगे और इस तरह से डंडी पकड़ करके तेल में तलने के लिए डाल लेंगे। तो चलिए तलने चलते हैं। तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा बैटर डालेंगे और चेक कर लेंगे। बैटर ऊपर आ जा रहा है बूंदी की जैसा। तेल गरम हो गया है, तेल हमको मीडियम ही गरम रखना है, तेल को ज़्यादा नहीं गरम करना है। अब मिर्च को एक एक करके बैटर में डिप करते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे और चम्मच से इस तरह से पकौड़े पे गरम गरम तेल डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही तलिएगा क्योंकि ये स्टफिंग वाला पकौड़े हैं, तो लो फ्लेम पे तलिएगा तभी अच्छे से अंदर तक सीख पाएंगे पकौड़े। नीचे के साइड लाइट गोल्डन कलर हो गया है पकौड़े। अब एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह पलटते पलटते हुए दोनों तरफ गोल्डन कलर होने तक पकौड़े को तल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छा गोल्डन कलर हो गए हैं पकौड़े। अब निकाल लेंगे और इसी तरह सारे पकौड़े को तल लेंगे और ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे ही तलिएगा तभी अंदर तक अच्छे से पकौड़े सिक पाएंगे। मिर्च के पकौड़े बनके तैयार हो गए। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी मिर्च के पकौड़े बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।